वेलकम टू दी केमिस्ट्री फॉर बेटर टुमारो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कर्टियस रीअरेंजमेंट, या फिर कह लो कर्टियस रिएक्शन, या फिर कह लो कर्टियस डिग्रेडेशन। सबसे पहले यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं इसको कर्टियस रीअरेंजमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जिस साइंटिस्ट ने दिया था उसका नाम क्या था, थियोडोर कर्टियस, इसलिए इसको बोलते हैं कर्टियस रीअरेंजमेंट। अब यहां पर हम पहले रिएक्शन देखेंगे, फिर उसका मैकेनिज्म और बाद में एप्लीकेशन। मैंने यहां पर कुछ लिखा हुआ है, सिर्फ आपको यहां पर ध्यान देना है। ये क्या लिखा मैंने, एसाइल अजाइड। तो पहले एसाइल अजाइड लिख देता हूं मैं। एसाइल अजाइड किसको बोलेंगे, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन थ्री, इसको बोलते हैं एसाइल अजाइड। क्या बोलते हैं इसको, एसाइल अजाइड। अब इसमें से बनने वाला क्या है, क्या बनने वाला है, आइसोसाइनेट। आइसोसाइनाइड नहीं है, आइसोसाइनेट है। तो आइसोसाइनेट किसको बोलते हैं, ये ग्रुप आर एंड डबल बॉन्ड सी और डबल बॉन्ड ओ, इसको बोलते हैं आइसोसाइनेट। बस इसी को बोलते हैं कर्टियस रीअरेंजमेंट या फिर कर्टियस रिएक्शन। तो एसाइल एजाइड में से आइसोसाइनेट बनाना है, क्या करना है, थर्मल डीकंपोजिशन। तो देखो हमारे पास कोई भी स्टार्टिंग मटेरियल होता है, उसमें से जब भी हमें प्रोडक्ट बनानी होती है तब हम क्या करते हैं, तो हमारे पास जो भी स्टार्टिंग मटेरियल है उसमें से हमें प्रोडक्ट बनानी है तब हम उसको हीट करेंगे। तो दो तरह की एनर्जी देंगे हम, या तो थर्मल एनर्जी देंगे बर्नर स्टार्ट करके उसको हीट दे देंगे, या फिर हम देते हैं फोटोकेमिकल एनर्जी, मतलब आप सनलाइट में रख दो, है ना, या फिर आप लैम्प के पास रख दो। तो यहां पर आपको सनलाइट नहीं देना है, फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं करना है, आपको पहले क्या करना है, थर्मल रिएक्शन करना है। थर्मल रिएक्शन मतलब जो हम कन्वेंशनल हीट करते हैं भाई, तो इसको बस हीट करना है सिंपल सा। अब हीट करेंगे तो क्या होगा, डीकम्पोजिशन होगा। डीकम्पोजिशन होगा मतलब हमारे पास जो है वो अनस्टेबल है, उसमें से स्टेबल कुछ बनने वाला है। नेक्स्ट आइसोसाइनेट बनेगा विथ लॉस ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो यहां पर N3 था, यहां पर सिर्फ एक ही नाइट्रोजन आया, तो N2 नाइट्रोजन गैस निकल गया। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, देखो नॉन एक्वियस सॉल्वेंट। नॉन एक्वियस सॉल्वेंट मतलब क्या है, पानी नहीं है, यहां पर आपको पानी नहीं लेना है अगर आपको आइसोसाइनेट बनाना है। तो अगर पानी ले लोगे तो क्या बनेगा, चलो ये आपके पास आइसोसाइनेट है, आइसोसाइनेट में अगर आप पानी डाल दोगे तो आपको डायरेक्टली जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसा ही आपने देखा था अनहाइड्रेटेड में, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन, क्या बोला था इसको हमने, किटिन। ये आइसोसाइनेट है, इसमें जैसे हम ऐड कर रहे थे, यहां पर हमारा न्यूक्लियोफाइल और यहां पर हमारा क्या ऐड हो रहा था, इलेक्ट्रोफाइल। सेम चीज आपको यहां पर भी करनी है, वहां पर हमने मैकेनिज्म भी समझा था, यहां पर भी मैकेनिज्म फटाफट समझ लेंगे टाइम बचाने के लिए। तो अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, आर एंड सिंगल बॉन्ड सी, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन के साथ एच प्लस जोड़ दो, ये कार्बन के साथ ओ एच जोड़ दो। तो ऐसा होता है एनएच टू सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसको बोलते हैं कार्बामिक एसिड, ठीक है, ये कार्बामिक एसिड है, ग्लाइसिन नहीं है, ग्लाइसिन में एनएच टू बीच में होता है सी एच टू, यहां पर नहीं है, तो ये कार्बामिक एसिड है, ठीक है। एनएच टू ग्रुप डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अटैच है। अब ये जो होता है कार्बामिक एसिड, ये नाइट्रोजन के साथ आर ग्रुप है, तो मैं लिख देता हूं एन अल्काइल कार्बामिक एसिड, और ये होता है अनस्टेबल। क्या होता है, अनस्टेबल। अनस्टेबल थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखो आपने सोडा तो पी होगी, मार्केट में जाते हो सोडा पीते हो, है कि नहीं, तो सोडा कैसे बनती है, पानी होता है उसमें वो एक गैस भरता है, और वो गैस कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपके पास पानी था, उसमें उन लोगों ने भर दिया CO2, तो ये क्या बन गया, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, और इसमें से जो OH बचा वो यहां पर, तो ये क्या है H2CO3, जिसको कार्बोनिक एसिड बोलते हैं हम।
ये अनस्टेबल होता है, अगर आप खुला छोड़ दोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। सेम चीज अगर मैं यहां पर ले लूं NH3 प्लस CO2, तो आप एडिशन कराओ, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एज इट इज, ये डबल बॉन्ड में से सिंगल बॉन्ड, इसको दे दो एक हाइड्रोजन, यहां पर जो बचा NH2, तो ये बन गया कार्बामिक एसिड। कार्बामिक एसिड भी इसकी तरह अनस्टेबल होगा, इसको आप जैसे ही खुला छोड़ दोगे तो इसमें से वापस क्या निकलेगा, CO2 निकल जाएगा, है ना, अमोनिया भी निकल जाएगा, लेकिन पानी भी साथ में होगा तो ये इसका सॉल्यूशन बना रहेगा। मतलब कार्बामिक एसिड जो है वो अनस्टेबल होता है। तो यहां पर होगा क्या, CO2 निकलेगा, जैसे हम सोडा में से CO2 निकालते वैसे ही यहां पर भी CO2 निकालना है। चलो CO2 निकलेगा तो बचा क्या, ये R इसके साथ N, ये एक हाइड्रोजन और इसके साथ डायरेक्टली दूसरा हाइड्रोजन जोड़ दो, क्या बन गया, अमाइन। कौन सा अमाइन है, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी, ध्यान से देखो, प्राइमरी अमाइन बना, ठीक है। चलो तो ये हमारा प्राइमरी अमाइन है, प्रोडक्ट बन गया प्राइमरी अमाइन। एक और चीज ध्यान से देखो आप, यहां पर हमने जो R लिया था उसके साथ एक कार्बन था, यहां पर R के साथ कार्बन नहीं है, मतलब एक कार्बन कम हो गया, ठीक है, विथ वन लेस कार्बन, यहां पर अमाइन बनेगा प्राइमरी, लेकिन स्टार्टिंग मटेरियल जो हमने लिया था उसमें से एक कम कार्बन वाला प्राइमरी अमाइन मिलेगा, ठीक है। चलो ये तो हमने कार्बामिक एसिड बना दिया। अब मान लो आपको बोला जाता है कि आपको इसमें अल्कोहल डालना है, मान लो मैं डाल देता हूं R-OH, तो जैसे अनएस्टर में हम करते थे, सेम न्यूक्लियोफाइल सिर्फ बदला है, यहां पर वाटर था यहां पर अल्कोहल है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, RN सिंगल बॉन्ड C, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एज इट इज, यहां पर मैं क्या अटैच करूंगा, और यहां पर, तो यहां पर H+ अटैच होगा और यहां पर OR- अटैच होगा, तो वो कार्बामिक एसिड था, यहां पर OR आ गया, उसका एस्टर है, तो इसको क्या बोलेंगे, कार्बामेट, तो ये कार्बामेट बन गया, या फिर कार्बामेट को यूरेथेन भी कहा जाता है, यूरेथेन भी कहा जाता है, तो ये कार्बामेट डेरिवेटिव है या फिर यूरेथेन डेरिवेटिव। अगर मान लो यहां पर न्यूक्लियोफाइल बदल देते हम, R-NH2 ले लिया मैंने प्राइमरी अमाइन, आपको एडिशन पता है, ये मैं लिख देता हूं आइसोसाइनेट वाला R, ये N सिंगल बॉन्ड C और इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर क्या अटैच करना है, हाइड्रोजन, यहां पर क्या अटैच करना है, NH-R-. अब इसको ध्यान से देखो, याद आ रहा है कुछ, सबसे पहला लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, यूरिया, NH2CO NH2, अब यहां पर सब्स्टिट्यूशन, यहां पर भी सब्स्टिट्यूशन, तो ये क्या बना, यूरिया डेरिवेटिव, ठीक है। मतलब यहां पर हमने पहले नॉन एक्वियस इसीलिए सॉल्वेंट रखा कि हमें आइसोसाइनेट चाहिए था, इस आइसोसाइनेट को आप आइसोलेट कर सकते हो अगर इनर्ट सॉल्वेंट ले रहे हो आप, इनर्ट सॉल्वेंट मतलब ऐसे सॉल्वेंट जो इसके साथ रिएक्ट ना करे, तो यहां पर इनर्ट सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हमारा प्रोटिक होगा, प्रोटिक किसको बोलते हैं, प्रोटिक जिसमें ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है या अल्कोहल, या फिर जिसमें ये है एक्सचेंजेबल प्रोटॉन जिसमें डायरेक्टली होता है, हेटरो एटम के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच होता है, उसको प्रोटीन प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं। तो यहां पर आपको प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं लेना है, अगर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लोगे तो क्या बन जाएगा, एडिशन हो जाएगा। अगर आपको आइसोसाइनेट प्रोडक्ट चाहिए तो आपको वहां पर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेना है। अब एप्रोटिक सॉल्वेंट लेने के बाद जो आपको प्रोडक्ट चाहिए उसके हिसाब से आपको न्यूक्लियोफाइल चूज करना है, ठीक है। चलो तो ये तो बात हो गई कि इसमें से क्या क्या बन सकता है, इसमें से कार्बामिक एसिड बन सकता है जो कि अनस्टेबल होता है, फिर हमने बनाया कार्बामेट, आपको सवाल हुआ होगा अंदर से कि कार्बामेट अनस्टेबल नहीं होता है, तो नहीं भाई, कार्बामेट स्टेबल होता है,
कार्बामिक एसिड अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो अब इसका मैकेनिज्म हमें देखना है। मैकेनिज्म बिल्कुल ही सिंपल है, बहुत सिंपल है ना। लेकिन यहां पर ये असाइल अजाइड कैसे बनाना है, तो आपको पूछा जा सकता है कि हाउ कैन यू प्रिपेयर असाइल अजाइड, या फिर आपको अलग अलग यहां से स्टार्टिंग मटेरियल दिया गया है उसमें से बनाया है, यहां पर रिएजन कुछ लिख दिया है। तो मान लो आपके पास ऐसा है आर सी ओ सी एल, क्या बोलते हैं इसको, एसिड क्लोराइड या फिर असाइल क्लोराइड। अब इसमें आपको एन ए एन थ्री डालना है, क्या बोलेंगे इसको, सोडियम अजाइड। तो ये जो एन थ्री है ये अटैक करेगा इसके ऊपर और इस क्लोरीन को निकाल देगा। तो यहां से एन ए प्लस, यहां से सी एल माइनस, तो ये बन गया एन एस सी एल। या फिर दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप ये ले सकते हो आर सी ओ एन एच एन एच टू, इसको बोलता है, बोलते हैं हाइड्रेजाइड। एसिड में से बनेगा या एस्टर में से बनेगा, एसिड क्लोराइड में से बनेगा, तो ये हाइड्रेजाइड है हमारा, हाइड्रेजाइड। अब अगर इस हाइड्रेजाइड का मैं रिएक्शन करा दूं HNO2 के साथ, HNO2 अगर नहीं दिया गया तो कभी कभी ऐसे दिया होगा NNO2 प्लस HCl, समझ जाओ आप डायजोटाइजेशन में जो हम यूज करते हैं। तो क्या होगा, यहां से OH, यहां से H, क्या बना H2। अब यहां से O, यहां से 2H, फिर से H2, तो 2H2 निकल जाएगा। अब ये नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के साथ ये जो नाइट्रोजन बचा वो जुड़ जाएगा, तो बन गया N3, है ना। यहां से ये एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड का अगर आप रिएक्शन करोगे हाइड्रेजीन के साथ, NH2 NH2, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रेजीन, हाइड्रेजीन, तो ये हाइड्रेजीन है। सेम चीज यहां से H, यहां से Cl, HCl निकल जाएगा, बनेगा क्या, R CO NH NH2, यही बनाया हमने हाइड्रेजाइड। ठीक है, एसिड क्लोराइड में से बना सकते हो आप हाइड्रेजाइड, या फिर आपके पास ऐसा है आर सी ओ ओ ईटी एस्टर, इसमें भी अगर आप हाइड्रेजिन डालोगे तो क्या हो जाएगा, यहां से एच, सॉरी यहां से एच, यहां से ओ ईटी माइनस इथेनॉल, और ये प्रोडक्ट बनेगा। ये हम जब पीएचडी में काम कर रहे थे तब बहुत बार ये रिएक्शन किया हमने, रूम टेम्परेचर पे भी हो जाता है, रूम टेम्परेचर पे भी, कुछ कम रिएक्टिव है तो थोड़ा बहुत हीट देना पड़ेगा, बाकी हमारा रिएक्शन तो रूम टेम्परेचर पे होता था। ठीक है, तो असाइल अजाइड आपको बनाना है, आप एसिड क्लोराइड से डायरेक्टली सोडियम अजाइड एड करके बना सकते हो, या फिर एसिड क्लोराइड का रिएक्शन हाइड्रेजिन के साथ कर दो, हाइड्रेजाइड बनेगा। इस हाइड्रेजाइड का आप क्या कर दो, डायजोटाइजेशन HNO2 के साथ रिएक्शन कर दो, एसिड क्लोराइड बन जाएगा। या फिर आपको एस्टर दिया गया स्टार्टिंग मटेरियल और बोला है कि आप इसमें हाइड्रोजन डालो, तब भी ये हाइड्रोजाइड बनेगा, तो ये एसाइल अजाइड बन गया, इसका आइसोसाइनेट में कन्वर्जन भी हो गया। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म, आपको जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा तब अलग अलग स्टार्टिंग मटेरियल दिए होंगे, बाकी तो ये सिंपल सा रिएक्शन है। आपको एसिड दिया गया तो एसिड में से आप एसिड क्लोराइड बना सकते हो, है ना, हमने एनाइस्टर में बनाया था। क्या करना था आपको, एसिड ले लो, उसका SOCl2 के साथ रिएक्शन कर दो, एसिड क्लोराइड बन जाएगा। फिर क्या करना है, सोडियम अजाइड के साथ रिएक्शन कर दो या फिर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर दो। ठीक है, चलो अब मैकेनिज्म डिस्कस कर दे, मैकेनिज्म क्या लेना है, सबसे पहले आर सी ओ एन थ्री, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, खोल देता हूं स्ट्रक्चर को, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एन और एन। अब ये नाइट्रोजन के चार बॉन्ड बने, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है,
तो इसी को बोलते हैं साइलेसाइड। या फिर आप इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ए डबल बॉन्ड बी, ए ट्रिपल बॉन्ड बी, सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पास में देगा, तो सिंगल बॉन्ड है वहां पर डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ले लेगा, तो अब इस नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव, और यहां पर जो ग्रुप है एज इट इज, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर ऐसे दिया गया है तो आपको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों कन्वर्ट करना पड़ेगा? क्योंकि ये नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे उसको वो स्टेबल हो जाएगा। तो ये दो नाइट्रोजन के बीच जो इलेक्ट्रॉन पेयर है बॉन्डिंग का, वो ये नाइट्रोजन ले लेगा। अगर ये नाइट्रोजन ले लेगा तो क्या बनेगा? इससे पहले हमने कुछ ऐसा ही देखा था, याद करो, आर सी ओ सी एच नेगेटिव, यहां पर एन ट्रिपल बॉन्ड एन, कौन से रिएक्शन में देखा था? अनएस्टर सिंथेसिस में, वहां पर भी यही हो रहा था कि ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा था, एन टू निकल रहा था, क्या बचा था? आर सी डबल बॉन्ड ओ, और ये सी एच के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है और दूसरा आ गया पॉजिटिव चार्ज। इसको हम ऐसे नहीं लिखते थे नेगेटिव और पॉजिटिव, लेकिन उसको न्यूट्रल और इस कार्बन को हम दे देते थे लोन पेयर। सेम चीज, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा? नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहां पर सी ओ बॉन्ड है ना। नाइट्रोजन के पास वैसे तो एक लोन पेयर होता ही है। अब इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आएगा, क्योंकि वो बीच वाला नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है, तो बीच वाला अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा तो ये बनेगा। नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव एक लोन पेयर था, नेगेटिव पॉजिटिव को हम कैसे लिखते हैं? एज लोन पेयर। तो अगर आपको कभी ऐसा दिया गया है, एक नाइट्रोजन है जिसके पास दो लोन पेयर है, तो वो कहलाएगा नाइट्रीन। क्या कहलाएगा? नाइट्रीन। अब नाइट्रीन के पास एसाइल ग्रुप है तो ये कहलाएगा एसाइल नाइट्रीन। ठीक है, तो जैसे हम इसको हीट करेंगे, कौन सा हीट? थर्मल। पहले ऐसा माना जाता था कि इसका थर्मल डिकम्पोजिशन होगा, N2 निकलेगा। चलो N2 तो निकलना ही निकलना, ठीक है, और एसाइल नाइट्रीन बनेगा, ऐसा पहले माना जाता था। फिर इसका रीअरेंजमेंट होगा, जैसे यहां पर होता था, जैसे यहां पर होता था, ये R ग्रुप जो है इसके ऊपर, चलो अच्छे से लिख देता हूं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये R ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेकर इसको दे रहा है, इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है, R इलेक्ट्रॉन ले रहा है एनआईएन, और जब शिफ्ट हो रहा है तो उसको बोलेंगे एनआइनोट्रोपिक शिफ्ट। फिर से एक बार, एनआइनोट्रोपिक शिफ्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां लेकर जा रहा है। अब इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ये N, ये R ग्रुप यहां पर अटैच हो गया, इसके पास एक लोन पेयर था एज इट इज, पॉजिटिव चार्ज था वो न्यूट्रलाइज हो गया। अब जो नेगेटिव चार्ज बचा वो नाइट्रोजन के ऊपर आएगा, यहां पर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एज इट इज। अब ये इलेक्ट्रॉन R लेकर जा रहा है तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने वाला है, तो इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, दोनों को जोड़ दो, क्या बना? ये R N C डबल O, तो इसी को क्या बोलते हैं? आइसोसाइनेट। तो यहां पर पहले क्या बिलीव करते थे कि दो स्टेप में ये रिएक्शन हो रहा है और क्या बन रहा है? एसाइल नाइट्रीन। लेकिन रिसर्च जो रिसेंट में किया गया उससे पता चला कि यहां पर जब थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है तब एसाइल नाइट्रीन नहीं बन रहा है, ये दो स्टेप में नहीं होगा, सब साथ में होगा एक ही स्टेप में। तो जैसे ही यहां से ये इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा उसी टाइम पे ये ग्रुप यहां पर इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज था अब इससे न्यूट्रलाइज हो गया। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स पास में दे देगा। ये सारी चीजें एक साथ होने वाली है, और सारी चीजें एक साथ हो रही है तो इसको क्या बोलेंगे हम? एसाइल नाइट्रीन नहीं बनेगा। कब नहीं बनेगा? थर्मल डिकम्पोजिशन में, थर्मली आप जब हीट देते हो। तो ये जो है साथ में सब कुछ होता है, इसको बोलते हैं कंसर्टेड, कंसर्टेड मैकेनिज्म। तो ये कंसर्टेड मैकेनिज्म से N2 निकलेगा, फिर ये R ग्रुप जो है ये अब अटैच होगा इस नाइट्रोजन के साथ,
और ये नाइट्रोजन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच था, अब डबल बॉन्ड से अटैच है, और ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन है। ठीक है, तो बस सिंपल सा था, एसाइल अजाइड में से एक ही स्टेप में कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म से आइसोसाइनेट बनेगा। और अगर आप ये रिएक्शन करते हो, आप ये रिएक्शन करते हो कैसे, फोटोकेमिकली, तब एसाइल नाइट्रिन का फॉर्मेशन होता है। देखो, अगर आपके पास R CO N N ट्रिपल बॉन्ड N ऐसा है, अगर आप इसको फोटोन देते हो तब N2 निकलेगा पहले, और यहां से इलेक्ट्रॉन या नाइट्रोजन लेकर जाएगा, तो R CO N ये नेगेटिव था और ये पॉजिटिव, ये लोन पेयर तो पहले से था, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम ऐसे कभी नहीं लिखते, इसको तो हम ऐसे ही लिखते हैं, एसाइल नाइट्रिन है ये, एसाइल नाइट्रिन। ठीक है, तब एसाइल नाइट्रिन बनेगा। अब एसाइल नाइट्रिन बना है तो यहां से नेक्स्ट स्टेप में या तो रीअरेंजमेंट हो सकता है, या आपको जो न्यूक्लियोफाइल दिया गया है उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, चलो, तो ये हमने सीखा कि फोटोकेमिकल है तो एसाइल नाइट्रिन बनेगा। अब इसमें आपको H2O ऐड करना है, ये मैकेनिज्म वैसे तो हम डिस्कस कर चुके, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। N ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल डबल बॉन्ड O, तो यहां पर मैंने ट्रिक क्या दिया, यहां पर न्यूक्लियोफाइल ऐड करना है, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, R N सिंगल बॉन्ड C ऑक्सीजन एज इट इज, यहां पर OH और यहां पर H। फटाफट मैकेनिज्म समझते, जैसे ही आप इसमें H2O ऐड करोगे तो ये डेल्टा प्लस है, ये डेल्टा माइनस, ये डेल्टा माइनस, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसका भी ज्यादा, तो इसको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये ले लेगा। अब ये दोनों ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा, आर एन डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड ओ, ये ओ के ऊपर माइनस, और यहां पर ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ने तीन बॉन्ड बना लिए, टॉपी पहना दो। अब क्या होगा, ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज, रेजोनेंस होगा, तो ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन यहां पास में देगा, इस कार्बन का वैलेंसी बढ़ जाएगा, ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो क्या बना, आर एन, ये नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहां पर सी डबल बॉन्ड ओ और यहां पर ओ एच। अब तो सिंपल सी बात है, इसको इलेक्ट्रॉन देने हैं, इसको इलेक्ट्रॉन लेने हैं, तो लेन देन कर लो, यहां से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा, क्या हुआ, माइनस एच प्लस, फिर इस एच प्लस को ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो क्या हो गया, प्लस एच प्लस, तो क्या बना, आर एन एच, ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन में अब ऊपर लिख रहा हूं, और यहां पर OH, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, आर एन एच सी डबल बॉन्ड ओ OH। कार्बामिक एसिड है, कार्बामिक एसिड अनस्टेबल होता है, तो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है, CO2 निकलेगा, कैसे निकलेगा, यहां से ये दोनों इलेक्ट्रॉन पहले ऑक्सीजन ले लेगा, फिर ऑक्सीजन दे देगा पास में, तो ये ऑक्सीजन कार्बन के बीच बॉन्ड बनेगा, इस कार्बन की वैलेंसी तो पांच हो रही है, ये पॉसिबल नहीं है, तो यहां पर नाइट्रोजन और कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है कौन ले लेगा, नाइट्रोजन, तो इस नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, उसके साथ जोड़ दो इस एच प्लस को, तो क्या बन गया, प्रोडक्ट एन एच था और दूसरा हाइड्रोजन जोड़ दो एन एच टू, प्राइमरी अमाइन बन गया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन की ओर, तो सिंपल सिंपल सी एप्लीकेशन है, मैं यहां पर लिख देता हूं पहले ताकि आपको सोचने का टाइम मिले। मान लो अगर आपके पास ऐसा कुछ है, सी एस थ्री सी ओ सी एल, तो पहले आप बताओ मुझे इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, कॉमन नेम एसिटाइल क्लोराइड, बहुत बार यूज किया हमने, आयुपेक में भी आपने पढ़ा है ना, आयुपेक, आयुपेक क्या बनेगा इसका, दो कार्बन के लिए इथ फिर एन ऑयल क्लोराइड, तो आयुपेक बनेगा इथेनॉयल क्लोराइड। अब इसमें तो डायरेक्ट हम वो नहीं करवा सकते ना,
थर्मल डिकम्पोजिशन। तो पहले क्या करना होगा, पहले क्या करना होगा, चलो पहले हम इसका रिएक्शन कर देते हैं H2O के साथ। H2O के साथ रिएक्शन करोगे तो इसका कन्वर्जन हो जाएगा एसिड में, है ना, बहुत रिएक्टिव होता है एसिड क्लोराइड। तो पहले मैं इसका रिएक्शन कर देता हूं NaN3 के साथ, प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O N3। अब आपको बोला गया कि आपको इसको हीट करना है, तो यहां से दो नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में निकलेंगे, एक नाइट्रोजन जो बचा उसका रिअरेंजमेंट होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, क्या बना, ये बना CH3। CH3 के साथ क्या अटैच, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, मिथाइल आइसोसाइनेट बना। अब आपको बोल देते कि आपको इसमें H2O ऐड करना है, मैकेनिज्म नहीं देखेंगे हम, क्या देखेंगे, यहां पर न्यूक्लियोफाइल, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल, CH3 एंड सिंगल बॉन्ड C और उसके साथ ऑक्सीजन, ठीक है, ये क्या बना H, ये OH, ये तो कार्बोमिक एसिड बन गया, ये क्या होता है अनस्टेबल, तो क्या होगा स्पॉन्टेनियस डीकार्बोक्सिलेशन। स्पॉन्टेनियस डीकार्बोक्सिलेशन मतलब अपने आप से और निकल जाएगा, तो ये हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ दो CH3 NH2, तो इसका नाम एसिटाइल क्लोराइड, उसका नाम मिथ एंड अमाइन आयुपेक, या फिर कॉमन नेम मिथाइल अमाइन या फिर अमीनो मिथेन, दोनों लिख सकते हो। चलो दूसरा इसके जैसा ही, यहां से स्टार्ट करना है आपको बेंजोइक एसिड से, पहले इसका एसिड क्लोराइड बनाना है C00Cl, SOCl2 थायनिल क्लोराइड माइनस HCl माइनस SO2, दोनों गैस होते निकल जाएंगे। अब ये जो है बेंजोइल क्लोराइड, इसका पहला रिएक्शन होगा NaN3 के साथ, ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होगा, इसको हम हीट करेंगे, तीसरा स्टेप आपको न्यूक्लियोफाइल कौन सा दिया गया है उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाना है। मान लो H2O दिया गया है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये CO निकाल दो और इसके साथ डायरेक्टली मैकेनिज्म से जाना है आपको, तभी पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट बनेगा। अब ये दूसरा एग्जांपल है उसका प्रोडक्ट है, तो ये 2P इज इक्वल टू, नाम लिखना है आपको कमेंट में, ठीक है। चलो यहां पर अगर ऐसा ले लिया मैंने CH3 CH2 OET, क्या नाम देंगे इसको, गणपति एस्टर है, सबसे पहले ET को लिखूंगा मैं इथाइल। अब अपना फॉर्मूला अप्लाई करूंगा 1 2 3, तीन कार्बन के लिए प्रोप एन और इसके लिए ओएट, तो ये ई निकल जाएगा ओ एट। अब इसमें मान लो आपको बोला गया कि आपको ऐड करना है NH2 हाइड्रोजन, तो यहां से ओईटी यहां से एच ईटी ओएच निकल गया, प्रोडक्ट क्या बना CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ओ NH NH2। हमें तो क्या चाहिए, N3 चाहिए, तो N3 बनाने के लिए हम क्या कर देंगे इसका HO NO के साथ रिएक्शन HNO2, क्या होगा यहां से एक हाइड्रोजन यहां से OH, क्या बना H2O, यहां से दो हाइड्रोजन यहां से ऑक्सीजन 2H2, और क्या बन जाएगा CH3 CH2 CO N ट्रिपल बॉन्ड एंड ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब क्या होने वाला है, आपको बोलेंगे कि आपको हीट करना है, ठीक है, तो यहां से आप ये N2 को निकाल दो माइनस N2 और साथ में इस ग्रुप को यहां पर माइग्रेट कर दो, तो क्या बनेगा CH3 CH2 एंड डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अब यहां से आपको बोल दिया कि आपको इसमें ऐड करना है मिथेनॉल, चलो वाटर इस बार ऐड नहीं कर रहे हैं, मिथेनॉल ऐड करना है, तो क्या होगा ये डेल्टा प्लस है ये माइनस है, किसके साथ क्या अटैच करना है, ये CH3 CH2 यहां पर N, ये सिंगल बॉन्ड C, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एज इट इज, यहां पर इसके साथ अटैच करना है हमें H और इसके साथ अटैच करना है O CH3। नाम कैसे देंगे, तो देखो यहां पर अगर ये ग्रुप नहीं है तो ये कार्बामिक एसिड का एस्टर है, कार्बामेट और एस्टर मतलब गणपति,
तो इस ऑक्सीजन के साथ जो अटैच है वो पहले लिखना है हमें, तो सबसे पहले मैं इसका नाम लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, मिथाइल। अब ये नाइट्रोजन के साथ इथाइल ग्रुप है, या फिर इसके साथ तो अब कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि ऑक्सीजन का वैलेंसी दो ही होता है। तो अब इथाइल अगर मैं डायरेक्टली भी लिख दूं तो वो नाइट्रोजन के साथ ही अटैच होगा, या फिर एन इथाइल लिख दूं, मिथाइल उसके बाद एन इथाइल, और ये कार्बामिक एसिड का एस्टर है तो क्या लिखेंगे हम, कार्बा मेट। ठीक है, तो मिथाइल एन इथाइल कार्बामेट ये नाम बनेगा। चलो थोड़ा अलग ऐसे भी पूछ लेंगे आपको, थोड़ा अलग इस बार एग्जांपल देते। एक बार हमने क्या डाला, वाटर, एक बार क्या डाला, अल्कोहल, और अब हम डालेंगे अमाइन। अमोनिया भी पूछ सकते हैं, क्या पूछा गया उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट बनाना है, और उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, मैकेनिज्म। चलो नंबर फोर एप्लीकेशन, यहां पर मैं लिख देता हूं CH3 COCl, एसिड क्लोराइड ले लिया। अब बोलेंगे कि एसिड क्लोराइड में आप पहले ऐड करो हाइड्रोजन NH2। तो जैसे यहां से OET निकल रहा है एज लिविंग ग्रुप, ये Cl भी एज लिविंग ग्रुप फटाफट निकलेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये बनेगा, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको इसका रिएक्शन करना है HNO2 के साथ, तो क्या बन जाएगा, डायरेक्टली लिख दो CH3 CH2 CO N3। क्या है ये, एसाइल एजाइड और कुछ नहीं, एसाइल एजाइड आपको बोल देंगे हीट करना है, तो यहां से एक N2 निकाल दो, ये ग्रुप यहां पर माइग्रेट होगा, ये यहां पर माइग्रेट, तो ये बनेगा प्रोडक्ट CH3 CH2 N, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, क्या बना, इथाइल आइसोसाइनेट। अब इस बार हम इसमें ऐड करने वाले हैं CH3 NH2, अमोनिया भी ऐड कर सकते हो आप। चलो ये डेल्टा प्लस ये डेल्टा माइनस, यहां पर क्या अटैच होगा, न्यूक्लियोफाइल, और यहां पर क्या अटैच होगा, इलेक्ट्रोफाइल, ऐड कर दो CH3 CH2 सॉरी, ये नाइट्रोजन, यहां पर सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर क्या अटैच करना है इस कार्बन के ऊपर, यहां से बॉन्ड ब्रेक करना है, तो अटैच होगा NH CH3, और यहां पर अटैच क्या होगा, हाइड्रोजन। तो ये क्या है, यूरिया। अब यूरिया का नाम कैसे लिखते हैं ये भी समझ लेते हैं। तो देखो यूरिया में इसको नंबर वन देते, इसको टू, या फिर इसको थ्री, या इससे उल्टा होगा 1, 2 और 3। अब इसके साथ जो ग्रुप अटैच है और इसके साथ जो ग्रुप अटैच है, अल्फाबेट में जो पहले आएगा उसको नंबर पहला देना है। तो यहां पर कौन सा ग्रुप है, इथाइल, यहां पर मिथाइल, तो पहले कौन सा आएगा, ये, तो ये वाली हमारी नंबरिंग जो है ऊपर वाली वो सही है। तो वन के ऊपर कौन सा ग्रुप है, वन इथाइल, फिर थ्री के ऊपर कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, नेक्स्ट यूरिया। ठीक है, तो ये नाम बनेगा। ऐसे ही आप कोई भी एग्जांपल ले लो, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि एसाइल एजाइड है, तो उसको आप हीट करोगे तो कंसर्टेड मैकेनिज्म अप्लाई होगा और डायरेक्टली बन जाएगा आइसोसाइनेट। लेकिन जब फोटोकेमिकल रिएक्शन है तब एसाइल नाइट्रीन जनरेट होगा, और उसमें से वो आपको और रिएक्शन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया है। अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।